की रात में थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत सैयद गौहर अब्बास के घर पे भारी जेवरातों की चोरी हुई और इस संबंध में थाना ठाकुरगंज पर चोरी के अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें वर्कआउट करने के लिए थाना ठाकुरगंज की टीम और हमारे क्राइम ब्रांच की टीम दोनों ने ज्वाइंट एफर्ट किया और आज 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक ऋषि कोरी जो कि थाना ठाकुरगंज के हुसैनाबाद मोहिनीपुरवा का रहने वाला है और इस पर कुल 31 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 2 गैंगस्टर के हैं और शेष सारे अभियोग चोरी के हैं और ये थाना ठाकुरगंज का हिस्ट्री सीटर भी है। इसके साथ जो दूसरा अभियुक्त है देवा उर्फ देवेंद्र, ये गुडम्बा थाने का रहने वाला है, इस पर भी 7 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें एक अभियोग इसका मर्डर का है और मर्डर के मामले में ये जेल में था और जेल में इसकी ऋषि कोरी से दोस्ती हुई और उसके बाद जेल से छूटे हैं, छूटने के बाद इन लोगों ने गैंग बना करके फिर ये कार्रवाई जो है चोरी की करना शुरू कर दिया। एक तीसरा अभियुक्त करण है जो कि ऋषि कोरी के ही घर पर रहता था किरायेदार के रूप में और इसने भी जो इस घटना में सम्मिलित था। जो ऋषि कोरी है वो सिलाई का काम करता है और देवेंद्र दूध बेचने का काम करता है और जो करण है वो राशन पर जो है राशन की दुकान पर बैठता है। इन लोगों से जो बरामदगी हुई है वो कुल 20 लाख के जेवरात बरामद हुए हैं और एक बाइक भी बरामद हुई है इनके पास से। इनके पर जो बरामद हुए हैं हमारे सामान जो है वो ठाकुरगंज के 2 घटनाओं के हैं और मड़ियाओ के 3 घटनाओं के हैं। इस तरह से कुल 5 घटनाओं का खुलासा हुआ है। जो ये अभियुक्त पकड़े गए हैं इनका ऑपरेशनल एरिया पूरे लखनऊ में है, जैसे हमारे वेस्ट जोन में ये ठाकुरगंज थाना, बाजार खाला, ताल कटोरा और मध्य जोन में नाका, हुसैनगंज, उत्तरी जोन में मड़ियाओ, गुडम्बा, जानकीपुरम, ये सारे जो है इनके ऑपरेशनल एरिया है। यानी ये घूम घूम करके जो है ये अपराध करते हैं चोरी और ये इनका अपराध करने का और चोरी करने का तरीका भी बड़ा अलग टाइप का है। जो इनसे सामान बरामद हुआ है उसमें इन्होंने सारे जेवरात जो है एक जो भैंस का जो खूंटा गाड़ा जाता है उस खूंटे के नीचे से बरामद हुआ है। यानी इन्होंने जो सामान चोरी किया उसको ले जा करके जमीन के अंदर गाड़ के रखे और उसके ऊपर जो खूंटा गाड़ दिया ताकि किसी को कुछ पता नहीं चल सके कि हाँ यहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता है कि इस खूंटे के अंदर भी कोई जो है सामान हो सकता है। तो ये बड़े ही सातिर किस्म के चोर हैं और इन पर जो है इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। सर, ये जेल में जो चोरी पकड़े गए हैं सर, इनको पुलिस ने किस तरह से डिटेन किया, कैसे पकड़ा? और सबसे बड़ी बात जो सर, जो 5 मिनट क्या बता रहे हैं खुलासा हुआ है सर, जो 20 लाख की बरामदगी हुई है वो सर पांचों के या किसी एक जेल का? जी जी, ये जो बरामदगी हुई है इसमें 5 घटनाओं के कुछ न कुछ जो है माल हैं और ये हमारी टीम ने जो है सारी अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी लगाई। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को भी देखा और सर्विलांस से भी हम लोगों ने इनको ट्रैक किया और ग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी किया, तो सारी चीज़ें करके और हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है। इनका यही नहीं, लखनऊ के बाहर भी ये घटनाएं करते रहे हैं। अब वो चीज़ें अभी डिटेल में हम लोग पूछताछ बाद में करेंगे। सर, इनको ये कैसे पता लगता है किस मकान में बंद है या घर के बाहर लोग गए हैं, कैसे लोग टारगेट करते थे मकानों को, सर ये कैसे जानकारी मिलती थी? नहीं, ये देखिए, ये तो इनका जो है 31 मुकदमे है इस पर, ये शातिर चोर है और ये चीजें देखते रहते हैं रात में कि कौन सा जो है कि किस आदमी के पास कितनी जो है पोटेंशियल है, कौन कितना बड़ा आदमी है, क्योंकि लोकल है, एक तो गुडम्बा का रहने वाला है, एक ठाकुरगंज रहने वाला है और ये दिन भर इनका चूंकि यही पेशा है तो ये घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। और ऐसे घर जहाँ पर कि ताला वगैरह बंद हो, जिसे घर में आदमी न हो, कहीं बाहर गया हो, तो ऐसे घरों को जो है निशाना। सर, गाड़ी जो पकड़ी गई ये भी इन्हीं की है कि? हाँ, गाड़ी इन्हीं की है, इन्हीं की है। सर, 5 लोग हमेशा के साथ ही करते हैं या इन लोग? नहीं नहीं, अच्छा, ये अलग अलग बनाते हैं। ये तो जो देवेंद्र देवा है ये चूंकि जेल में भी मिला है तब जो है इसने जो है इसके साथ किए हैं। अच्छा, इसके पहले तो जो है ये पहले से करता रहा है, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत लंबी है और ये पहले से दूसरे 100 लोगों के साथ भी ये चोरी की घटनाएं करता रहा है। सन 18 से जो है ये अपराध है इस पर।
सन 18 से लेकर के और अब तक, यानी 5-6 साल से लगातार ये जो है चोरी कर रहा है। सर, जो माल बरामदी हुई उसमें ज्यादातर क्या, मतलब जो ज्यादातर जो माल है वो सोने के हैं, हार है, झाले हैं, कान के टप्स हैं, झाला है और चेन है सोने के, मैक्सिमम सोने के ही है, कंगन है, ये सारे। सर, पीछे इनके और भी लोग होंगे, जो ये तीन लोग हैं इनके पीछे और भी लोग लीड करते होंगे, काम करते होंगे? नहीं, ऋषि कोरी तो देखिए खुद गैंग लीडर है, इसके स्वयं ही करता रहता है, ये अपने अपने अलग अलग लोगों के साथ जो है गैंग बनाकर करता है। हाँ, ये हम लोग और भी इसमें ट्रैक करेंगे कि ये किन किन को बेचता है, कहाँ क्या करता है, डिस्पोज आप कैसे करता है, वो चीजें भी हम लोग पूछताछ में करेंगे। नहीं, वेपन का यूज नहीं करते ये, मेहंदी घाट से गिरफ्तारी हुई है जी। सर, ये कट्टा वगैरह भी रखते हैं लोग? नहीं, वेपन का नहीं है अभी तक इनका है। ये हत्या के अभियोग में जो है जेल में रहा है, तो इसको चूंकि अभी इसने हत्या किया था और चोरी भी किया है। ज्यादातर केसों में देखा गया है कि इस तरह के अपराधी जो है कट्टा लेके भी चलते हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए मौका मिलते ही जो है बाहर कर देते हैं वो चीजें। अभी तो हम लोग जो पूछताछ में, इसमें इन्होंने ऐसा नहीं बताया, लेकिन हम लोग वो भी जांच में देखेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।